एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रही हूँ तीज की कोथली के ऊपर, क्योंकि कई यूट्यूबर के मैंने देखे टाइटल, मेरी कोथली पर ये सामान आया है, मेरी देखो भाभी के यहाँ से ये सामान आया है, और मेरी कोथली क्यों नहीं आई, मेरी कोथली क्यों नहीं आती। तो फ्रेंड्स, मैं आज सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने आपको बड़ा कर दिया है, आपकी शादी कर दी है, और बार बार ये कोथली के नाम पर उनको शर्मिंदा ना करें। कितने सालों तक यार वो आपकी कोथली के नाम पे मतलब देते रहेंगे। जब आप घर जाते हैं वो तब भी दे के भेजते हैं, आप किसी त्योहार पे पहुंच जाते हो अचानक से अपने घर जाते हो मिलने के लिए, वो तब भी देते हैं। तो एक कोथली के नाम पे मतलब एक सोशल मीडिया पे आके मतलब इस तरीके से क्यों नहीं आती ये बताती हूँ, क्या आया है ये बताती हूँ। तो आप उनको देखिए जिनके पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, उन लड़कियों के मन में आप ये डाल रही हैं जिनकी शादी हुई है, जिनके पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, आप उनके मन में ये डाल रही हैं हमारे पेरेंट्स ने तो यार कुछ भी नहीं दिया, हमारे पेरेंट्स तो कोथली देते ही नहीं है। तो एक तरह से ससुराल वालों की तरफ भी आप बढ़ावा कर रही हैं। उसकी बहू के यहाँ से तो इतनी कोथली आई है यार, तुम्हारे यहाँ से मतलब कुछ नहीं आता, क्यों नहीं देते? तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बंद कीजिए कि कोई किसी के हाथ में होता है देना, किसी के हाथ में होता है नहीं देना, कोई दे सकता है कोई नहीं दे सकता। तो ये सब चीजें एक बेकार की हैं। आपको इतना बड़ा कर दिया है, शादी कर दी है, आप खुद देखिए मतलब आप अपने बच्चे आपके अगर हो गए हैं तो आप उन्हें बड़ा करने में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, हर चीज उनकी पूरी करते हैं, और बड़े होके आप उनकी शादी भी कर दें और फिर वो कहें यार इस त्योहार पे मेरी कोथली नहीं आई इस तरह, तो आपको भी बुरा लगेगा उस चीज के लिए, कब तक देंगे वो। और आज आप बीमार पड़ रहे हो, उन्हीं के पास गए हुए हो, तो वो डॉक्टर पे भी ले जाएंगे, दवाई का खर्चा भी कर देंगे, बट आप खुद देखिए कि आप अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो आप उनके ऊपर कितना पैसा दे सकते हैं या आप उनको क्या दे रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि तीज पे जो कोथली का ये चलता है या किसी भी त्योहार पे कोथली का चलता है, ये सब बंद कीजिए, मतलब ये कोई सब बेकार की बात है। अपनी खुशी से जो वो दे दे वो बहुत अच्छा है, और कितने का घेवर, कितने की ये चीजें आ जाती हैं यार, अपने यहाँ से लेके खा लो, इसमें ये दिखावा किया है कि मेरे यहाँ से ये आया है, मेरे यहाँ से ये आया है। और तीज की रही बात, मैं अपनी बेटी को बता रही थी तीज पे हमारे टाइम में क्या होता था, क्योंकि आजकल तो शहरों में इतनी जगह ही नहीं कि झूले डल जाए। मैं अपनी बेटी को यही बता रही थी कि हमारी मदर थी भाई, सुबह सुबह मतलब पकवान बना रही हैं कर रही हैं, हम भी उनकी हेल्प करवाते थे कि जल्दी जल्दी फिर चलो झूला झूलेंगे, शाम को फिर सारी आंटी आ जाती थी मिलके, और फिर हमारा बच्चों का नंबर नहीं आएगा यार वो लोग झूलने लगते थे, तो एक इंजॉयमेंट होता था। लेकिन उस चीज को कहाँ से कहाँ मतलब लोगों ने पहुंचा दिया है, कुछ समय में नहीं आता, बच्चे वो चीज पहले जैसे इंजॉय नहीं कर पाते हैं। गाँवों में तो फिर भी एक बार को झूले मिल जाएंगे अभी, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल है ही नहीं, कहीं एक आध के किसी के घर में जाल होगा वहां होगा डाल दिया चलो। तो त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए, और जो ये लोग टाइटल इस तरह का डाल देते हैं ना, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता सच बताऊं तो। और रही तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे की लोई ले ली है, और जब हम आटे की लोई लेते हैं ना इस तरीके से मतलब पूरा बंद कर देना है, जहाँ से वो थोड़ी थोड़ी ओपन सा रहता है इसको, फिर तेल हल्का सा लगा के दोनों तरफ और इक्वल बेलना है, ना तो किनारे पतले हों ना बीच, जहाँ आपको भरना है वो भी पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी कचौरी फटती है, बिल्कुल इक्वल। अब इसके अंदर देखिए मैं आलू की पिट्ठी जो मैंने तैयार कर रखी है पहले से ही, वो मैं भर दूंगी, और उसको हल्का सा फैला लें और इस तरीके से किनारे मोड़ते चलें और खूब अच्छे से किनारों को दबा दें, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, और फिर इस तरीके से दबा के हाथों से जितना हो सके ना उसको फैला दें चकले पे ही, और जहां जहां से आपको लगे हल्का हल्का फट सा रहा है वहां से उसको अच्छे से दबा के फैला दें इस तरीके से। अब हल्का सा तेल लें और दोनों तरफ यूं करके हल्का सा बेलन मारें, उस पर हल्का हल्का फैलाएं, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना करें, इक्वल बिल्कुल। और अब ये देखिए मैं आपको सामने ही बिल्कुल तल के दिखाऊंगी, ये फूलेगी भी और कहीं से फटेगी भी नहीं।
बिल्कुल हल्का हल्का दबाना है। जब ये एक तरफ से हल्की सी सिक जाए तब इसको पलटें, उससे पहले बिल्कुल ना पलटें। ये देखिए देखिए, अब ये फूल चुकी है और ये देखिए, अब मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आपको हमारी कचौरी कितनी अच्छे से कलर आया है और कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए। तो देखा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं फटी, ये देखिए। और इसी तरीके से देखिए, मैंने दूसरी भी उतारी है, ये भी देखिए बिल्कुल फूल गई है और ये भी नहीं फटेगी, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कहीं से भी किनारा खुला सा ना रहे, और लोई जब बनाते हैं उसमें भी किनारा कहीं भी खुला ना हो, और जब उसको बेलें तो इक्वल बेलें, ना किनारा मतलब पतला रहे ना बीच का। ये देखिए बिल्कुल फूली फूली अच्छी सी। और अब मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि कई लोग समझेंगे शायद पूरी होगी। ये देखिए आलू, और ये गर्म हो रही है स्टम बहुत ज्यादा। ये मेरी पूरी थाली रेडी है, आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि जिनको कचौरियाँ नहीं आती हैं, जो न्यूली मतलब अभी अभी शादी हुई है और जिनकी फट जाती है, मेरी भी फट जाती थी पहले, मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि सारा तेल में जो आलू भर जाता है ना, वो मुझे मतलब बहुत दिक्कत करता था, सारा तेल खराब हो जाता है, फिर मन नहीं करता था दूसरी कचौरी बनाओ। तो धीरे धीरे मेरे को भी प्रैक्टिस हो गई, मदर से भी थोड़ा पूछती थी भाई क्यों नहीं उनकी फटती है, तो अब मुझे बहुत अच्छे से आ गई है। इसीलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया कि भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि बस वो जो आटा लेते हैं पूरा, उसको ट्रिक अच्छे से मतलब उसको कर लीजिए, वो बिल्कुल नहीं फटेगी चाहे आप कितना भी आलू भर लीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको लोगों को पसंद आई हो आज की मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें प्लीज़। तो आप लोगों का सपोर्ट होता है, कमेंट होते हैं, जो आगे वीडियो बनाने के लिए हमें मतलब हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आगे हम बनाएं, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो। तो फ्रेंड्स चलिए, अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया ही लेकर आऊंगी।